अस्सलामुअलैकुम बट माड़ा पुत्र के हाल ने आंटी आंटी तुसी घर नहीं बैंदे मुंह चुके आ जांदे हो माड़िया बच्चिया मेरे च ते कप्तान च एक ही चीज ते कॉमन है ना वो कार बैंदा है ते ना मैं बैनी है ओए सदके जुला माड़ा बच्चा इकरार भी आया माशाल्लाह वाह 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 इकरार को जानती है आप माड़िया बच्चिया कौन नहीं जानता है ना की एना की पूरा पाकिस्तान जानता है असल च माड़ी ते एना दी फील्ड हिकाई और क्या बात करी है यार आप तो घरों में काम करती हैं ना माड़े बच्चे मैं करां च काम नहीं करदी मैं दिलां ते कब्जा करदी हां हां वैसे भी माड़ी जड़ी फील्ड है ना पाकिस्तान नहीं मैं बहुत सीनियर इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट हां हां ए माफिया दी दुनिया च माड़ा ना आंटी स्टिंग ऑपरेशन वाली इकरार माड़े बच्चे वैसे सोशल मीडिया ते माड़ा जड़ा मशहूर ना है ना ओ है गरीदा शराजी बुचा है ए ना है कि ए साफ़ दा मिल्कशेक है मैं ते नहीं मनीप साहब ना कोई गल ही नहीं करनी अच्छा इतनी पक्कियां रिपोर्टां इन्हां कोल होंदियां को माड़ी भी ना देई छोड़न माफिया में आंटी स्टिंग ऑपरेशन और मोहल्ले में बड़े ऑपरेशन वाली माई मशहूर है असल बट माड़े बच्चे जेम्स बॉन्ड नी फिल्म ने ना 007 उससे च भी ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं जेड़ी माड़े कोल है क्या क्या टेक्नोलॉजी है माड़े इस बुरखे च बॉडी कैम लगे देन हिडन कैम भी लगे देन अल्लाह और ते और माड़े कोल कबूतर हैं जिना दे अंदर ट्रैकर कैमरे भी लगे देन पर जी नहीं मनीफ साहब ते इकरारुल हसन अगर माड़े कोल इंटर्नशिप करने ना ते आज बीबीसी ते सीएनएन दे अंदर बैठे होंगे उसे वड़े ऑपरेशन कर रहे होंगे अगर ऐसी बात ही तो आप क्यों नहीं गई सीएनएन और बीबीसी में हाय माड़े बच्चे हैं तो सना चाचा नहीं मने कहना 17 बच्चे ने नाश्ता तेरा प्यो बना सी है 17 जो किन्ने स्ट्रिंग ऑपरेशनल हुए मैं समझ दिया सी कि समा न्यूज़ दे ब्यूरो चीफ ने ऐ ते मिकी कोई गायनाकोलॉजिस्ट लग रहा नहीं मनीफ नहीं नसीम नहीं ये इकरार में तो बहुत हमले हुए हैं आप पर कभी किसी ने हमला किया है बताया तो है उन्होंने कि 17 बच्चे हैं उनके इकरार हमें पता चला है कि आप गाते भी बहुत अच्छा हैं तो किसी दिन जुगलबंदी हो जाए नहीं भाई इजाजत दरकार है इजाजत आहा इकरार साहब अरे जब कोई बात बिगड़ जाए जब कोई मुश्किल पड़ जाए तुम देना साथ मेरा ओ हम नवा साथ मेरा वो हम नवा हो चांदनी जब तक रात देता है हर कोई साथ तुम मगर अंधेरों में ना छोड़ना मेरा ना कोई इकरार साहब आपका स्ट्रगल पीरियड बड़ा तवील था ते मैंने दसो है नाजी साहब की तरह तुसी भी समोसे बेचे या इशात पट्टी दी तरह तुसी भी सब्जियां बेचियां नहीं जी मेरा मैंने तो खबरें ही बेची हमेशा से अच्छा पहले दिन से ही मैं पाकिस्तान टेलीविजन ने थर्ड ईयर में था गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर में हम पढ़ते थे और यहाँ से मैं लोकल न्यूज़ बुलेटिन करता था और फिर जिस इदारे से मैं वाबस्ता हूँ पहले दिन से ही 2005 से अब तक जर्नी वहीं चल रही है वहीं से शुरू हुआ जी क्या नईम साहब तुसी मैंने दसो कि शुरुआत में इरशाद भट्टी की तरह आप भी पार्क में सोए या घर जाके सोए नहीं नहीं घर अपने भी सोए अच्छा पता है ते बदामी साहब मुझसे अक्सर सवाल पूछते हैं ना कि जी इकरार साहब किधर है तो मैं कहता हूँ जी घर हूँ कहना तो सवाल इतने भी नहीं मुकता
केड़े वाले का हार होगा। तो उसमें ये था कि जिस तरह उस्मान बुज़दार लाहौर में शहबाज शरीफ बनने आए थे, इसी तरह हम जो है जब मैं रिपोर्टिंग करने आया तो मैं ताहिर सरवर मीर बनने क्या बात तो पढ़ते थे और बस जंग में नौकरी हो गई और उस वक्त जंग में एज ए रिपोर्टर नौकरी मिल जाना बहुत बड़ी बात थी, बस वहीं से करियर का आगाज और फिर ARY और फिर समा। तो हीरोइन अपनी सालगिरह पे जब किसी सहाफी को केक खिलाती है वो ब्यूरो चीफ होता है या चीफ गेस्ट? वो केक होता है। वाकई गलत है, ठीक है हीरोइन सहाफी नु केक खुआ के बाद जो कहती है केक वे दिन चढ़े या कहीं फिर सहाफी भी कहता है केक मैं केक वे करांगा। इकरार साहब आपके और वसीम बदामी की दोस्ती है, यादगार दोस्ती है अल्हम्दुलिल्लाह। कभी बदामी साहब ने फोन करके पूछा कि यार दूसरी शादी दी कामयाबी का फॉर्मूला की है? सर देखिए मैं अगर ये बात कर दूंगा ना तो हो सकता है उन्होंने कार तलखियां पैदा हो रश्क आमेर नजरों से तो जाहिर है मुझे देखते हैं। अच्छा देखते हैं और मशवरे भी मांगते हैं। हाँ 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 वो जाहिर बात है परफ्यूम उन्होंने काट ले कितने लाड़ने थे कितने सुनाने थे नहीं सर सुना है कल्चरल रिपोर्टर की मखसूस निश्त पर एक बीवी भी होती है? नहीं मैं इस नेमत से महरूम ही रहा हूँ। तो बड़े तुसी दिल ना किया मैं महरूम ही रहा बच बचा के करियर में जो है वो जिंदगी गुजारना पड़ती है तो अभी तक तो कुछ अभी तक आप बचे हुए हैं? बचे हैं शिट। नहीं साहब अगर कोई ब्यूरो चीफ तीन शादियां कर ले तो क्या वो वजीरे आजम बन सकता है? अगर तीन शादियों वाला वजीरे आजम अदम एतमाद से ना निकाला जाए फिर तो कर सकता है। किडे प्यार नाल अपने आप नु कवर कर ले। नईम साहब आप भी धमाकेदार स्टोरीज कवर करते हैं, इकरार साहब आप तो छापे मारते रहते हैं, आपके लिए एक छोटी सी एक्टिविटी आज हमने बनाई है। बादशाह सलामत के ऊपर आप लोगों ने छापा मारना है। अच्छा। और एक ब्रेकिंग न्यूज देनी है और इनसे मनीषा आपने बरामद करनी है। होते आप पूरी चर्च लग रहे बरामद क्या कर रहे लेकिन चले हदे दबट हम जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर है कोई मन छापम नहीं। आइए जी आइए जी ये माइक पकड़ लें, ये आपके पास रिपोर्टिंग माइक है। ठीक है जी हम इस वक्त मौजूद हैं जी चर्स फरोश शहनशाह के पास। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेक भाई ये चर्स तुसी खरीद के बेचते हो या चोरी करके बेचते हो? ये जित्थो मिल जाए सी बेच देने। वो पहले ही मन गया है मुल्ज़िम ए तड़ियां मुछां च कोकीन है। हम जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर हैं। ओए बादशाह मैंने तो तुसी राणा अकबर लग रहे हो। आपको किसी ने गलत कहा है, ये मेरे बारे में इंफॉर्मेशन कहीं आपको जोधा भाई ने तो नहीं दी? ए मनीर भाई ने दी है हमें। ए मनीर भाई जोधा भाई दा भाई ते मेरा साला है वो मुझसे आजकल नाराज है। वो मुझे कहता कि दिल्ली का लाल किला मेरे नाम कर दो लेकिन हम अपने पुरखों की अजमत रफ्ता को उसके नाम कैसे कर दें? देखें अगर सिर्फ इंफॉर्मेशन मिली होती तो हम कभी आप पे छापा ना मारते, आप चेहरे से मनशियात फरोश लगते हैं। इकरार साहब मेरा टाइम मनशियात के चर्च फरोश जैसा है लेकिन मैं 22 कैरेट का असली बादशाह हूँ जिस ग्रुप से आप वाबस्ता हैं कैरेट का तो आपको पता ही है।